नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज दोस्तों मैं हूँ महम चौबीसी रोहतक ज़िले के अजायब गांव में। दोस्तों इस गांव का इतिहास बहुत ही गहरा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है ये 750 साल पुराना आबाद गांव है और इस गांव के जो लोग हैं वो जो यहाँ आके बसे थे वो राजस्थान के बिरानी नामक एक जगह है वहाँ से आए थे। तो दोस्तों जैसे राजस्थान में पानी की कमी होती है उसी प्रकार पानी की तलाश में वहाँ से कुछ लोग चल के अजायब गांव पे आके रुके थे। जिस व्यक्ति ने इस जगह डेरा जमाया था उसका नाम जाजा था। जाजा नाम का व्यक्ति राजस्थान से आया था और उसने यहाँ आकर एक बस्ती बनाई। तो आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बार बार इस गांव के ऊपर हमला किया। ये गांव 3 बार अपना अस्तित्व खो चुका था। उसके बाद में लगभग 300 साल से ये गांव आबाद है और जाजा नाम के जो व्यक्ति था जिसके नाम पे इस गांव का नाम था 1857 के जो ब्रिटिश हुकूमत होती थी उसने इस गांव का जो नामकरण जाजा नाम से बदलकर अजायब गांव कर दिया था। अजायब गांव का भी बहुत गहरा इतिहास है। लगभग 5000 के लगभग वोट होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं हमारे साथ हैं, इस गांव से जिला पार्षद हैं राजित धतरवाल जी, हम उनसे बात करेंगे। राजित भाई आ जाए। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई राजित क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, आपने सुना? बस ठीक ठाक। तो राजित भाई जिला पार्षद हैं, फिलहाल भी चुनाव नहीं होते तब तक जिला पार्षद मनोनीत ही शायद रहते हैं। कार्यकाल तो शायद आपका पूरा हो चुका है। हाँ, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो राजित भाई ये बताइए कि गांव की आबादी लगभग कितनी होगी? गांव की आबादी है 12-13 हजार। इसमें लगभग पीछे मैंने इलेक्शन लड़ा था 4670 वोट थी। 4670 वोट थी। हाँ, तो अब इंक्रीज हो गए, वो 5000 के लगभग संभावना है इतनी होगी। अच्छा, तो अब आगे जो लिस्ट आओगी उसमें कुछ अपडेट होगा, तो 5000 तक। गांव में लगभग गांव की गलियों की विकास की साफ सफाई की कैसी व्यवस्था? देखिए मैंने कई साथ वाले गांव भी देखे हैं, जैसे निंदाना है, और गांव है, गिरोड है, तो उनके हिसाब से ना मेरा गांव गलियों के मामले में, सफाई के मामले में और विकास के मामले में इनसे आगे है। अच्छा है। अच्छा है। और गांव का भाईचारा किस प्रकार का? गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है, बस जो कुछ थोड़ा बहुत हो अगर वो तो होता है, वो तो लगभग गाँव में, लेकिन एक गाँव के लेवल पर गाँव का भाईचारा बहुत अच्छा है। मैंने कुछ घटना हुई है तब देखा है गांव का भाईचारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक कॉल पे सारा गांव साथी का खड़ा मिलता है। तो गांव में हॉस्पिटल वगैरह? गांव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, छोटा है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था थोड़े साल पहले दो प्राइवेट वो था अपने यहाँ पे, उससे पहले तो आप पता अपने टाइम की कैसा था, बाहर से बढ़ के जाया करते, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट लाइन बिछा दी गई थी एक व्यक्ति द्वारा। तो कई साल उन्होंने यहाँ पर पानी वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, पेमेंट लेते थे, वो अब बाद में वो गया, जो गाँव का व्यक्ति था ना शमाल का था, उसने वो छोड़ दिया और वो लाइन बंद हो गई। उसके बाद इस योजना में गाँव में 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो पीने के पानी के गांव में सप्लाई करते हैं, उससे बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, गांव में मंदिर वगैरह, जो आपका गांव का प्रसिद्ध मंदिर है एक गुफा वाला मंदिर, तो बहुत शानदार मंदिर है, पूरा गांव उसको पूजता है। हाँ, वो 36 बिरादरी का मंदिर है, 3 मंदिर है गांव में, तीनों ही 36 बिरादरी के मान्य है। गाँव में स्टेडियम वगैरह? गाँव में स्टेडियम है, लेकिन जिस दिखा होना चाहिए गांव के लेवल के हिसाब से उसे दिखा है नहीं,
वैसे कुछ चार दीवारी की हुई है, उसमें बाकी सुविधा कुछ है नहीं। गांव का एक खिलाड़ी धावक अच्छा रेसर है धर्मवीर। हाँ धर्मवीर, हाँ तो उसका भी नाम काफी अच्छा है। हाँ वो धर्मवीर नाम है गांव में, तो वैसे उसको बोलू नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है वो इंडिया को, तो उसके ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था और नेशनल कॉमनवेल्थ में हुआ था, तब उसके स्टेडियम का 21-22 लाख रुपया है, तब जा गए कुछ उसमें। गांव में तालाब कितने हैं? गांव में तालाब लगभग 7-8 तालाब है। सब सौंदर्यीकरण अच्छा है? हाँ, जो गांव के अंदर है उनमें तो कुछ में गंदा पानी चला जा है, जिनमें गंदा पानी नहीं जाता वो तालाब महसियों के लिए अच्छे है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीत भाई, आपने मौका दिया। और भी कुछ साथी हमारे पास खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम राम भाई, क्या नाम है भाई? जयपाल। जयपाल भाई, गांव के बारे में बताओ, आप तो गांव का इतिहास के बारे में कुछ पता है? गांव में भाई अच्छा माहौल है, कुछ शांति है, भाईचारा है, कोई की बात नहीं। हमारा गाँव शुरू से ही अच्छा गाँव है। नहीं, जो गाँव जो बसया था उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे, कब बसया? भाई ये तो इतना हो नहीं, ज्ञान है तो आपने बताई दिया था इसमें। हाँ हाँ, बाकी हमारा गांव शुरू से अच्छा है, भाईचारा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे और गाँव में देखा है ना, ऐसा माहौल नहीं है हमारा का, जैसे कि किसी का कोई भाई के किसी को कुछ भी हो जाता है तो अरे सारा गाँव इकट्ठा होता है, साथ रहता है, कोई ऐसी बात नहीं हमारे गाँव में। कोई जैसे गाँव में कोई नामी पहलवान हुआ है? हाँ, नामी पहलवान एक था अपने भाई रेसर हुआ था खिलाड़ी धर्मवीर, ये तो रेसर था। एक वो बलजीत हुआ था अपने कुश्ती में, अभी भी है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम की सुविधा नहीं है। जैसे स्टेडियम बनाते दिया उसकी खाली चार दीवारी और किसके क्यों बताऊँगा, मेरी खुद लड़की खेलती थी। अच्छा अच्छा, एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी थी, एक हुआ थी कुश्ती की, वह लड़की ये स्टेडियम नहीं होने के कारण घरी बैठी है, समस्या है मतलब प्रैक्टिस के लिए। ये कई जन गई, मोखरा गई, स्कूटी ले गए कहीं गई, ये वहाँ फिर आने जाने में ये रात में 5-6-7 बजे तक प्रैक्टिस हो गए, कैसे आऊँगी। ये रोहतक के अंदर रहते नहीं, छोटूराम स्टेडियम में गई 1-2 महीने, वहाँ भी परेशानी है, आना जाने की, वैसे गाँव में रहते इतनी आने जाने की सुविधा नहीं है, मनते जाने तो छोटे दिए क्या करेगी। स्टेडियम की सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में, खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी बनना भी चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है खेलने की, कोई भी सुविधा नहीं।